दयाल सिंह, प्रताप सिंह भी जितने काम में सिंसियर थे उतने भी सिंसियर दयाल सिंह जी भी रहे। तो कोई काम आप दयाल को बताओ तो काम हुआ नहीं, या काम में कोई अभी करता हूँ बाद में करता हूँ, ऐसा कोई भी हमें कोई शिकायत दयाल सिंह की कभी करने का मौका नहीं दिया। हो जाएगा, दयाल सिंह का एक ही डायलॉग हमेशा था, हो जाएगा, और हमेशा वो ये करते रहे और उनका सबके साथ हमारे स्नेह अच्छे से रहा, इसके लिए आज हमारे रिटायर्ड आदमी भी उनको विदाई देने के लिए यहाँ पे पहुंच गए। तो मैं सबसे पहले उनके परम मित्र दिनकर को बोलता हूँ कि यहाँ पे आके उनके बारे में कुछ चार शब्द सुनाए। अरे ऐसे नहीं बुलाना पड़ेगा, कोई तो मेरे पता नहीं, मैटरन को बुलाता हूँ। इतने सालों को सर्विस की है, ऐसा बंदा मैंने अभी तक नहीं देखा है। पुराने लोगों में जो हमारे पुराने लोग जा रहे हैं, हम लोग को दुख हो रहा है, क्योंकि उनको कोई भी काम बोलेंगे तो कभी ऐसा नहीं बोला कि ये मेरा काम नहीं है, मैं अभी नहीं करूँगा। हमको ये था कि दया को अगर कुछ काम बोल दिया तो होना ही है काम, इतना हम लोगों को ये था। बस मैं तो भगवान से यही बोलूंगी कि वो जहाँ भी रहे शांति समृद्धि उनके साथ रहे, उनके हर पल खुशी से जाए। उनकी तो जिम्मेदारियां भी अभी खत्म हो गई है, बच्चों के साथ शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए, अभी वो अपनी पत्नी के साथ इंजॉय करें लाइफ। बस मेरा तो यही भगवान से प्रार्थना है। याद है जब ये दोनों आए थे, काफी कड़ी समय चल रहा था वर्मा का, हमने दोनों को दोनों ने दिनकर और इन्होंने इतनी मेहनत की आशिप में आने के लिए, ये सच्ची बताने को ये लग रहा है। और दोनों ने भी मतलब खुद को यहाँ पे सिद्ध करके बताया कि भाई हम कोई काम भी किसी से कम नहीं है करके। तो ओएसी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ को भी विनती करता हूँ, जितने भी लोग हैं सभी मेरे बंधु और सहकर्मचारी, हिंदी में बात करना पड़ेगा क्योंकि दयाल को और दयाल की पूरे फैमिली को मालूम पड़ता है। ऐसा काम प्रताप सिंह, सच में प्रताप सिंह साहब को डॉक्टर ठाकुर साहब के रूम में सीधा जाया करते थे। वो अकेला आदमी ऐसा था जो डॉक्टर ठाकुर साहब के रूम में बिना कटकटाए सीधा जाया करते थे। और मतलब हमें उस वो चीज बहुत बड़ी लगती थी। काम के बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सभी को मालूम है। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा कि एक इंसान करके भी है ना बहुत अच्छा आदमी है। दिल से परमेश्वर के पास प्रार्थना करूंगा कि दयाल का आगे का जीवन खुशहाली से भरा रहे और बहुत अच्छी जिंदगी जाए और हमारे साथ रहे, हमें बीच बीच में मिला करे। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू। साथ मिला के चल रहे आगे डॉक्टर शिल्पी, डॉक्टर सलूरिया हमारे दोस्त, वो भी साथ में ही है। बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर लोग जब बड़े बड़े होते जाते हैं हमारे सामने, बड़े बड़े हो रहे हम लोग आएंगे। यदि आदरणीय डॉक्टर्स उपस्थित, स्टाफ, सच्ची में वैसा देखा जाए तो ये आप लोगों का बड़प्पन है कि इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का आप लोगों ने मौका दिया। मैं दिल से चाहता था जरूर कि दयाल के बारे में मैं बात करूं, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जिसमें एक बार आदमी रिटायर होने के बाद दोस्ती निभाई जा सकती है, लेकिन ऑफिशियल जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ऑफिस वालों का हक पहले होता है। तो उस हिसाब से मैं नहीं बोल रहा था, लेकिन ये लड़का ही बोलूंगा क्योंकि मेरे सामने ही ज्वाइन हो गया हो। अभी लड़के के लड़के लड़कों को लड़के हो गए। वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल स्टाफ, जो आदमी ने कभी किसी को ना बोला नहीं,
और सब में इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि जिस आदमी के वजह से अपन ऑर्गेनाइजेशन में आए, उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा था कि एखादे का लड़का अगर लगता है कामयाब होने वाला है तो उस लड़के को लिया जाता था। तो ये दयाल को उसी टाइम और ये दो लोगों को लेने का, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, मतलब हम लोगों का नौकरी भी इतना नहीं होगा इतना है दोनों का नौकरी के बारे में। उस टाइम डीके वर्मा थे, प्रताप सिंह एक दिन नाराज होके हमारे पास आके बैठे थे, बोले साहब हमारा होगा नहीं। मैंने बोला आप चिंता मत करो, अपन ने जो लोगों का काम किया है सिंसियरिटी से और भले भला सोचा है लोगों का, भगवान आपका जरूर भला सोचेगा, ये बच्चा इन होगा या नहीं होगा। उसी टाइम हम लोगों ने प्रताप सिंह को बोला था, बहुत सिंसियर लड़का, सीखना चाहिए नए, जो अपन बोलते हैं ना कुछ चीजें सीखो तुम लोग, अच्छा आदमी रहेगा उससे अच्छे गुण सीखो, बुरे से बुरे मत सीखो, लेकिन अच्छे आदमी से अच्छे गुण सीखो। ये लड़का कभी जैसा गौरी ने भी बताया कि नेवर से डोंट डू एनीथिंग, कभी किसी काम को नहीं नहीं बोला, भले उसके रीच में रहे या ना रहे, लेकिन अभी इतनी बड़ी फैमिली होगी दयाल, अभी तुम हमारे बिरादरी में आ रहे हो, चिंता मत करो, रिटायरमेंट के बाद तेरे तरफ देखो आप, ऐसे खुश रहने का, क्योंकि अपनी सब जिम्मेदारी हो गई, डॉक्टर्स भाई लोग जो है ना ये सब अपने हैं, कभी भी हक से, और आपके लगने वाला है कि अपने को मेडिकल ही लगना है, डॉक्टर सरुजा को पकड़ के सब डॉक्टर लोग अपने भाई हैं, ये वो हक वाले हैं, उन पर ज्यादा हक करना है हम लोग। एनीवे आप लोगों ने मौका दिया, दयाल जी आपको रिटायर्ड लाइफ सुख समृद्धि, और आपको तो आरकेट ने जाते जाते भी अच्छा पैकेज दिया हुआ है, और मैंने कहना ही था कि मेरे को जो मिला उससे कई गुना ज्यादा सबको मिले, सबको मिले, सब खुश रहे आपसे, ये मेरा कहना था। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि बोलते हैं कि मेडिकल का जरूरी ना पड़े, लेकिन उम्र ढलती जाती है तो मेडिकल का जरूरी पड़ता है, उस वक्त सब अपने लोग हैं यहाँ पर, और हम रिटायर हो गए हैं, कुछ भी रिटायरमेंट के बारे में अगर कुछ आपको प्रॉब्लम रहेगा, कुछ भी तकलीफ रहेगी, ये रहेगा इंक्वायरी रहेगी, तो आप जरूर हमसे फोन करिए। आपके दोनों को फिर सुख सलामती की दुआ करते हुए मैं दो शब्द पूरे करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। उसका बेटा का एक्सीडेंट हुआ, जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, ही हैड अ ग्रेट हेड इंजरी, उसका लाइफ बहुत डेंजर में है अभी तक, उसका कैरियर कभी नहीं चल पाया है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज गुडनेस। वो सराउंडिंग एरिया है ना, उसका जो पॉजिटिव रेज है वो बहुत जरूरी है लाइफ में, आज के दिन में वो बहुत ही जरूरी है। आप पॉजिटिव सोचो एक आदमी का बारे में, दूसरे लोगों के बारे में बुराई मत सोचो, ये ऐसा रख लिया, कभी ना नहीं बोलो कोई भी चीज के लिए ना नहीं है कभी भी, वेरी ऑनेस्ट एट इज वर्क। सब वी आई पी लोग, मैनेजमेंट लोग को ड्रेसिंग के लिए उसको ही लेके जाता हूँ, बताता नहीं है वो किस किस का घर में गया है, मेरे को मालूम सीक्रेटली, बट ही हैज नेवर टोल्ड मी दैट। दैट इज द टाइप ऑफ ड्रेसिंग, दैट इज द टाइप ऑफ वर्क। कभी कभी मैं गुस्सा हो जाती हूँ, मैडम शांत हो जाओ सब चलेगा, मैं बोला आप जाने के बाद क्या होगा, नहीं सब बराबर होगा। उसका जो ऑनेस्टी है, उसका जो काम का चीज करने का चीज है नीट क्लीन, वो जो पॉजिटिव रेज वो देता है। मेरे को याद है किसी का शिफ्टिंग होगा घर का, ये बंदा को लेके जाता है, क्यों? और कोई भी डिफिकल्टीज है घर में, ये बंदा को लेके जाता है, क्यों? He is supposed to be, he thinks he is a small man, but the positive rays has created such an environment, वो जिंदा होके उठ के आया है। कितना दिन थे आप दिल्ली में? आई थिंक मोर देन 15 दिन। उसको ब्यूटीफुल वाइफ मिला, वैसा बोला जाएगा तो उसका बच्चन और सब हीरोइंस है, ओके, एंड दयाल सिंह इज ऑलवेज ऋषि कपूर, ऑल द थिंग्स आई रिमेंबर इज स्टिल ऋषि कपूर, नेवर नेवर गेट्स ओल्ड, आई हैव नेवर सीन हिम गेटिंग एंग्री,
किया, उसका जो गुणवत्ता है, जो अच्छा अच्छा चीज है, सब लोग डॉक्टर से लेके वार्ड बॉय से लेके स्वीपर से लेके लेना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। जब भी मैं चिल्लाती हूँ मैं उल्टा जाऊ देखता ही नहीं, उसका घर में बहुत कुछ दुख है। मेरा जब भी घर हो गया, मेरे को दूसरा घर लेने का था, मैं दयाल सिंह का और दिनकर का मदद लिया और वो लोग यस बोला, मैडम आप एक घर ले लो, मैं देखने को भी नहीं गया और मैंने घर ले, छोटा हो या बड़ा हो उतना मेरे को उनके ऊपर भरोसा, ऐसा होना चाहिए। That is the relationship you should have. I'm speaking for today because COVID has given us so much difficulties. I've seen each member having so much difficulties. लोगों को वो शावा उठाने को नहीं है, लोग वो फोन करके बोलते हैं मैडम शावा उठाने को, बिकॉज मैं 7 years में एडमिट है। ऐसा लोग है हमारे घर, उनको नाम लेना नहीं चाहते, हम एक दूसरे का मदद चाहिए। आज इसको ऊपर गुस्सा किया वो भूल जाओ, बिकॉज उनका मदद कभी हमको लगेगा हमको मालूम नहीं है क्या। सो इसको अभी भी लड़की लोगों पर बहुत प्यार है लगता है, उसको 3 पोती लोग ही है और 4 पोती लोग ही है एंड 1 इज लड़का, और माइकल मैन हमेशा किसी को ऐश्वर्य राय बोलती है एंड सो फेयर मीन डाउन टू अर्थ, मीन्स जो काम बोलते हो करने का, और मुकड़ा वॉइस और कभी कभी पन ये बोलते थे ठीक है ना मैडम सुनने का, इज अ गुड लिसनर, उससे सीख ली सब कुछ चीज सुनने का, वो बुरा हो या खुशी हो या मेरा हिसाब का नहीं है, फिर भी वो बड़ा बड़ा लोग उसको सुनाते थे, वो सुन शायद वो सुनता ही है। वो कभी बेटी का शादी पे भी गए थे, सब लोग ऐसे ही है, उसका भाई लोग हजू लोग सब उसमें ये उठा के बैठ, कुछ अलग ही है। ऐसा आदमी से सीखना बहुत जरूरी है, मैं बहुत मिस कर गया आपको। आपको कभी भी कुछ मदद चाहिए हम है, कभी भी मेरे को फोन करो, आई फील वेरी बैड एंड आई एम यूजिंग अ वेरी गुड ह्यूमन बींग, मैं तुमसे बहुत कुछ सीखने थे सीखूंगी, वो जो जोर से बोलना, वो गुस्सा होना बाद में भी भूल जाती हूँ, बट वो सब आपसे सीखना बहुत जरूरी होना चाहिए, वो उसको मैं करूँगी। और आगे भी आप सुखी रहो, एक बेडरूम हमको दोनों लिए थे एक ही सोसाइटी पे, वो बेच के अपने बेडरूम का मैं सोच रही थी इतना वो हेमरेज में जो उसका पूरा निकल रहा है, तो इधर ट्रैवल कर रहा था ना हिमाचल में, वो डूब गया था फिर गाँव जा रहा था कभी, तो भी वो पॉजिटिव रेस इज वेरी इम्पोर्टेंट इन लाइफ, एवरीथिंग गिव कीप गिविंग ऑटोमेटिकली इट कम्स बैक, कीप गिविंग गिविंग गिव गिविंग, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, बट इट ऑटोमेटिकली कम्स टू यू बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये मैंने तंजीर का बेटा का एग्जाम्पल से सीखा, बड़ा लाइफ का एक बड़ा लेसन है मेरे लिए। सो दिस इज वन थिंग एंड आसिफ gives you इतना नहीं देता है, इतना देता है, बहुत कुछ टाइम देता है, पढ़ने को देता है, अच्छा लोगों से मिलने को देता है, और इतना लोगों से सीखने को मिलता है, बड़ा हो छोटा हो। अभी हमारा CMB पे एक तो पॉजिटिव एनर्जी है, वो तो उसको देख के लगता है भगवान उधर खड़ा है, इतना पॉजिटिव एनर्जी है, सबसे बात करता है, छोटा हो बड़ा हो बड़ा हो। And his wife is another very matter. You should learn from them. Learn. There is no telling no to anything. It's such a wonderful people in and around. Aur bala ho, tumko bhi bala ho, aise bhi bala ho. Bar bar ke bonus mila humko. Khushi khushi se bonus mila. Main bahut khush hu, bahut khush hu. And but
एक तरीके से आप हमको चोट के जा रहा है, तो उसके लिए भगवान आपको आपका फैमिली को सबको भला करे। और अभी से मैं अगले साल का बोनस है उसको आना। सोसाइटी डिविडेंड पूरा है, हमारे सभी कर्मचारी की तरफ से मैडम भी विशेष अल्लाह मैं डॉक्टर तुलिया साहब से निवेदन करता हूँ। उनके परम मित्र महाराज सिंह भंडारी से निवेदन करता हूँ। डॉक्टर शिंपी साहब का निवेदन करता हूँ कि उन्हें उनका सभी सर्टिफिकेट दिया है। दूसरे परम मित्र भरत भोसले साहबान निवेदन करतो मी वैसे करना आनंदाची गोष्ट आहे, आपण पेन्शन चालू झाली, पेन्शन आता जमा झाली। मैं दयाजीत से विनती करता हूँ, उन्होंने इससे साल का अपने आरसीएफ क्रेडिट सोसाइटी तरफे दया साहबाना आभार व्यक्त करता हूँ सभी लोगों का, सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आज तेरा जो रिटायरमेंट का फंक्शन किया उसमें बहुत अच्छे तरह से हुआ है। और आरसीएफ ने अपने को बहुत कुछ दिया है, उन्हीं हमारी फैमिली और जो भी है, मतलब हम आरसीएफ से आगे बढ़े, आरसीएफ ने हमको बहुत कुछ दिया हमारे उसके लिए। तो आरसीएफ का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आरसीएफ का, और भविष्य में आगे भी ऐसे ही आरसीएफ चलता रहे। हम जब नए नए आए थे तब तब सुनने में आता था कि कंपनी बंद हो रिटायर हो गए, अभी कंपनी चल रही है, अभी लोग बोलेंगे बंद होने वाली, बंद होने वाली, लेकिन बंद नहीं होगी।
और बाकी मेरा एक परम मित्र जिनका अभी मेरा एक बचपन का समझो एक साथीदार जिधर भी गए साथ में गए सुख दुख एक साथ में दोनों शेयर करते गए तो उसने हर चीज मेरे को गाइडेंस दिया कि ऐसा नहीं ऐसा करो ऐसा नहीं ऐसा करो तो वो हम लोग को दोनों साथ में ठीक है आजचे उत्सव मूर्ती मिस्टर दयाल सिंग खटेत यांचा सेवानिवृत्तीचा हा जो समारंभ आहे या प्रसंगी आपण सगळे आरसीएफचा स्टाफ जो भरभरून प्रतिसाद मिळाला त्यानिमित्त मी सगळ्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. कसं असतं माणूस जेव्हा नोकरीला लागतो त्याच्यानंतर त्याला रिटायर व्हायचं हा एक विधिलिखित क्षण असतो पण त्याच्यामध्ये प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यामध्ये जे काही घडामोडी घडतात किंवा जे मित्र परिवार संगती सुखी येतात ते एक माणसाच्या आयुष्यामध्ये हृदयामध्ये कुठेतरी एक असतं की ह्याने मला ह्या क्षणी साथ दिली आहे त्याने मला त्या संकटकालीन परिस्थितीमध्ये मला साथ दिली आणि ओव्हरऑल जर बघितलं आरसीएफमध्ये आपलं आरसीएफ हॉस्पिटल एक असं डिपार्टमेंट आहे जिथे थोडेफार रुसवे फुगवेल असतात ते सगळीकडे असतात सगळ्या घरांमध्ये असतात पण त्याच्यामध्ये मनामध्ये ठेवण्याचं काही किंतू परंतु नाही आणि दयाला आणि आम्ही त्यांना ज्युनियर आहोत आम्ही त्यांना अंकलच म्हणतो की आमच्या वडीलधारी आहेत आणि माझे नेबर पण आहे गेल्या 2 वर्षापासून मला फार त्यांची कमतरता जाणवेल आणि राहिलं त्यांच्याबाबत बोलायचं तर एक हसमुख स्वभाव आणि त्यांच्या चेहऱ्याकडे बघितलं की पॉझिटिव्ह एनर्जी माणसाला येते की ह्या माणसाकडनं खूप काही शिकण्यासारखं आहे कधी अग्रेसिव्ह न होणार समोरचा किती त्यांना अग्रेसिव्ह करण्याचा प्रयत्न करू पण त्याला शांतता संयमाने उत्तर देणारी अशी फॅमिलीच्या रिलेटेड आपण जो म्हणतो ना एक वडीलधारी व्यक्ती 500 किलोमीटर लांब असतो तेव्हा एक वडीलधारी माणूस म्हणून काही जे सल्ले त्यांनी आम्हाला दिले तर ते खूप त्यांची एक चांगली गोष्ट आहे की ते ज्युनियर्स लोकांना आज आम्ही जे 7-8 लोक ज्युनियर जे जॉईन झालो ते चांगला वडील झाले माणूस म्हणून त्यांनी आम्हाला प्रत्येक वेळी चांगलं गायडन्स केलेलं आहे तर असो मी एवढं माझं 2 शब्द आवर्ती घेतो आणि त्यांना पुढच्या भविष्याच्या वाटचाल माझ्याकडनं माझ्या परिवाराकडनं हार्दिक शुभेच्छा त्यांना सुख समृद्धी भरभराटीचा लाभो हे 2 शब्द बोलतो आणि माझ्या भाषण आवडतं एन्जॉय ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣੇ ਆ ਸੱਜ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣੇ ਆ ਸੱਜ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਿਹੜੇ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਟੈਂਟਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ